इंदौर कलेक्टर द्वारा पकड़े गए राशन घोटाले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। इस बार मामले में 10 अलग अलग थानों में 31 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और तो राशन माफियाओं के खिलाफ रासुका की कार्यवाही भी की जा रही है। अभी तक की प्रारंभिक पड़ताल में पुलिस ने लगभग 20 करोड़ रुपये की संपत्ति इन राशन माफियाओं की चिन्हित की है। इसी के साथ जाँच में यह पता चला है कि इस पूरे काले कारोबार में न केवल खाद्य विभाग बल्कि मंडी सहित अन्य विभाग भी इनमें मिले हुए थे और इन्हीं की मिलीभगत के चलते गरीबों के हक पर ये लोग डाका डाल रहे थे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या गलत फर्जी तरीके से रजिस्ट्रिया करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई? देखिए, उससे मैंने SDM महू को बोला है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ FIR कराएं, वहाँ से कब्जा हटाएं, FIR कराएं। और जो भी इसमें अगर इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समिति बनाई गई है और सारी ये ज़मीनें जो थी वो समिति के अधीन कर दी गई हैं फर्दर डिस्पोजल के लिए। इसका स्पष्ट आत्म है कि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति न उस ज़मीन में प्रवेश कर सकता है, न उस ज़मीन को खरीद फरोख्त कर सकता है, और जो भी खरीद फरोख्त करता है या उसमें भागीदारी होता है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। इस तारतम्य में SDM महू को निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहले मैंने बोला है कि जो जो इस तरह के आरोपी हैं उनके खिलाफ FIR की जाए पहले, और फिर कब्जे हटाने की बात करेंगे अगर किसी को पाया जाता है इलीगली। सर, आज आपने गौशाला अभी 2 पे रासों की कार्रवाई की गई है, 31 टोटल 31 के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है। और जो 2 मुख्य राशन माफिया अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, भरत दबे और उसके जो रिलेटिव हैं श्याम दबे, और उनके परिवार के बहुत लोग हैं जिन पे FIR हुई है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की जा रही हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इन लोगों की ज्ञात हो चुकी हैं, डिटेल्स आ गए हैं उसके, और उनका डिटेल अब किया जा रहा है, उनके रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं, और फिर क्या लीगल एक्शन लेना है सभी में उसकी एक लाइन ऑफ एक्शन फाइनल कर लेंगे। एडिशनल कलेक्टर बेडेकर और SDM प्रतु सिन्हा लगे हैं, नगर निगम के अधिकारी लगे हुए हैं इसमें, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार लगे हुए हैं इसमें। जो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 80 लाख का जो उन्होंने राशन खाया है गरीबों का, इनकी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके और उससे जो धन अर्जित होगा बेचने से प्रॉपर्टीज़ इनकी, उससे वो राशन खरीदा जा करके गरीबों को वापस बांटा जाएगा। उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। तो लगभग आज भी 10 प्रॉपर्टीज़ और मिली हैं, उसके वर्किंग अभी कलेक्ट्रेट में चल रही है, और धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे। चूँकि ये एक विधिक प्रक्रिया पालन की जा रही है, इसे थोड़ा वक्त लग रहा है इसमें, और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तो डिटेल तो जब भी पकड़े जाएंगे, अभी तो फरार हैं सब लोग, पकड़े जाएंगे तो डिटेल आएगा उसमें। पर अलग अलग हजारों की संख्या में राशन की दुकानें हैं, 500 से ज़्यादा तो इंदौर ज़िले में ही हैं, और चूंकि इनका नेटवर्क केवल इंदौर में न होकर बाहर भी था इनका, तो ये राशन को इकट्ठा करना है, इसका स्टोरेज करना है, फिर वो सरकारी राशन को लीगलाइज करने के लिए फर्जी बिल तैयार करना व्यापारियों से या कहीं मंडी की मिलीभगत से, इसका परिवहन करना और परिवहन करके ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को बेचना या ऐसे व्यापारी को बेचना जो इस प्रकार का चोरी का सरकारी राशन खरीदते हों, ये पूरा नेक्सस में भरत दवे और श्याम दवे की पूरी मास्टरी थी, और इनकी टीम के जो भी है, इनके भतीजे थे, भांजे थे, पुत्र थे, सब इसमें संलग्न थे, पूरा परिवार संलग्न था इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।